नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक। स्वागत है आपका आई एम टेक्नोलॉजिकल चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिनसे आप इजीली कट, स्लाइस, ट्रिम, क्रॉप वीडियोस अपनी इजीली कर सकते हो, एंड और भी आप बहुत कुछ इन सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। तो गाइस, जिन 6 एप्स और सॉफ्टवेयर की मैं बात करूंगा, उनमें से 3 तो मोबाइल फोन्स के लिए हैं एंड 3 पीसी के लिए हैं। तो अगर आप वीडियो क्रिएटर हो या ढूंढ रहे हो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो गाइस, अभी मैंने रिसेंटली ही जो 6 फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्स हैं, उनके बारे में आर्टिकल लिखा था। तो मैं आपको इसी आर्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ आए। तो जो 6 आर्टिकल थे, उनमें से जो 3 हैं वो तो आप फोन में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, और बाकी 3 विंडोज, मैक या लिनक्स इनके लिए बने हैं। तो जो एंड्रॉयड फोन्स के लिए 3 एप्स के बारे में मैं बात करूंगा, वो है एक तो काइन मास्टर, दूसरा है फिल्मोरा गो, एंड थर्ड है पावर डायरेक्टर। एंड जो 3 विंडोज, मैक या लिनक्स के लिए सुटेबल हैं, वो है पहला है ओपन शॉट, दूसरा है मूवी मेकर 10, एंड तीसरा है शॉर्टकट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा काइन मास्टर की। कुछ इस तरीके का इंटरफेस है काइन मास्टर का। जो ये व्हील है, आप इससे इस पूरी ऐप को ऑपरेट कर सकते हो। सबसे पहले जो मीडिया ऑप्शन है, आप इससे वीडियोस वगैरह अपनी इंपोर्ट कर लोगे। एंड उसके बाद जो लेयर है, आप इसमें लेयरिंग करते जाओगे। लाइक आपने सबसे पहली लेयर में वीडियो ऐड करी, उसके ऊपर वाली लेयर में आपने कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करा इस ऑडियो के थ्रू, एंड उसके ऊपर वाले लेयर पे आपने इस वॉइस के थ्रू अपनी वॉइस ओवर डाल के उसके अंदर ऐड कर ली, एंड उसके ऊपर वाली लेयर में आपने अपना कंपनी का लोगो डाल लिया। तो इससे आप कितनी मर्जी लेयर्स ऐड कर सकते हो। तो ये बेस्ट ऐप रेटेड की गई है, इसके काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हैं प्ले स्टोर पे। ये अराउंड 83 MB स्टोरेज आपके फ़ोन की यूज़ कर लेगा। आप इसे इजिली ब्लेंड, कट या बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। आपको बस एक एक्सपेक्टेड रेशो चूज करनी है। लाइक आपको फेसबुक वीडियोस बनानी है, यूट्यूब वीडियोस बनानी है या आईजी वीडियोस बनानी है, वो चूज करके आप अपनी वीडियोस एडिट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अंदर आप इजीली टेक्स्ट, इमेजेस या स्पेशल ट्रांजिशंस भी इजीली ऐड कर सकते हो, और काफी सारे फिल्टर्स या ब्लेंडिंग मोड्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ताकि आपकी वीडियो थोड़ी और अट्रैक्टिव लगे। आप वो सब इसमें बड़ी इजीली कर सकते हो। और इसके अंदर है वॉइस ओवर, जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी। जो व्हील है, उस व्हील में से वॉइस का ऑप्शन चूज करके, लाइक आपने पहले अपनी वीडियो पूरी की पूरी शूट कर ली है और आपको बाद में अपनी वॉइस ऐड करनी है, तो उस व्हील में से वॉइस वाले बटन को चूज करके आप अपनी वॉइस बाद में ऐड कर सकते हो। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप और अपनी वीडियोस को ट्रिम, स्लाइस और क्रॉप तो कर ही सकते हो। और इसके अंदर है एक काइन मास्टर असेट स्टोर, जिसके अंदर आपको मिलेंगे अनलिमिटेड म्यूजिक, फॉन्ट्स, स्टिकर्स, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ताकि आप अपनी वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बना सको, और आप इजीली 4K या 2160 पिक्सल्स तक की वीडियोस को स्लो या फास्ट मोशन इफेक्ट्स के साथ इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है। मैंने अपने आर्टिकल में इसको डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दे रखा है, आप विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप का बस एक डिसएडवांटेज है कि जब आप वीडियोस अपनी एक्सपोर्ट करोगे तो आपको वीडियोस में वाटरमार्क मिलेगा, जहां पे लिखा होगा मेड विद काइन मास्टर। तो मुझे तो ये पर्सनली अच्छा नहीं लगता अगर मेरी वीडियोस पे साइड में लिखा है मेड विद काइन मास्टर। बट अगर आप एक बिगनर हो और आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो एक बार आप इस ऐप के थ्रू वीडियो एडिटिंग सीख लो, उसके बाद आप किसी और ऐप पे शिफ्ट कर लेना। तो गाइस, नेक्स्ट ऐप हमारे पास आती है वंडर शेयर की तरफ से फिल्मोरा गो। ये अराउंड 79 MB स्टोरेज आपकी फ़ोन की यूज़ करेगा, एंड एक जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो पोर्ट्रेट मोड में आप अपनी वीडियोस इजीली एडिट कर सकते हो। तो फिल्मोरा गो से आप मल्टीपल वीडियोस को इजीली मर्ज, ट्रिम करके उनकी वीडियो स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। लाइक आपको स्लो मोशन या फास्ट फॉरवर्ड इफेक्ट्स डालने हैं, और आप उनको इजीली रोटेट भी कर सकते हो, और जो उनकी वॉल्यूम है आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको कुछ टन्स ऑफ ट्रैक्स वगैरह मिल जाएंगे, और साउंड इफेक्ट्स भी इसके अंदर कुछ इंस्टॉल्ड पहले से ही हैं। आप उनको यूज़ करके अपनी वीडियोस को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो, बीच में साउंड इफेक्ट्स वगैरह इजीली डाल सकते हो, और आप इसकी ऑडियो को भी आप सेपरेट करके अपनी ऑडियो कस्टम उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो गाइस, जो नेक्स्ट ऐप हमारे पास आती है वो है पावर डायरेक्टर। ये भी एक बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है, आप इसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ये अराउंड 53 MB स्टोरेज आपकी फ़ोन की यूज़ करेगा,
एंड इसका कुछ एकदम प्रोफेशनल इंटरफेस है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। एकदम प्रोफेशनल वे में आप इसमें वीडियोस एडिट कर सकते हो लैंडस्केप मोड में। तो गाइस इस सॉफ्टवेयर में भी आप इजीली ट्रिम कट या मल्टीपल वीडियोस को मर्ज कर सकते हो एंड फास्ट मोशन या स्लो मोशन इफेक्ट्स भी डाल सकते हो एंड 4K तक की वीडियोस को इजीली एडिट कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं जो इस ऐप के दो बेस्ट फीचर हैं। पहला तो ये है कि जो ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड होता है अब उसको क्रोमा की हेल्प से इजीली रिमूव कर सकते हो। लाइक आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है जिसके अंदर एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, तो अब उसके अंदर क्रोमा की डाल के उस ग्रीन स्क्रीन जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दोगे और अपनी वीडियो में सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हो। और जो नेक्स्ट फीचर वो है शेकी कैम फुटेज विद वीडियो स्टेबलाइजर। इस ऐप के अंदर एक स्टेबलाइजर बटन है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। लाइक कभी कभार आप वीडियो शूट करते हो और वो शेकी वीडियोस होती हैं, जैसे कैमरा आपसे हिल गया तो वो अजीब सी वीडियोस शूट हो जाती है, तो आप स्टेबलाइजर ऑन करके उसको फिक्स कर सकते हो। तो ये मुझे दो काफी अच्छे फीचर लगे इस ऐप में। और बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, लाइक स्लाइसिंग, रोटेटिंग वीडियोस, बस सिंपल टैप करके आप ये सब इजीली इसमें कर सकते हो। बाकी ब्राइटनेस तो आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड काइन मास्टर की तरह इसमें भी वॉइस ओवर ऐड करने का ऑप्शन है, बैकग्राउंड में वॉइस ओवर अपनी ऐड कर सकते हो। तो अगर इस ऐप का भी यही डिसएडवांटेज है कि जब आप अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करोगे तो मेड विद पावर डायरेक्टर आपको एक वाटरमार्क देखने को मिलेगा। बट गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी ऐप्स है। आपको भी फीचर सुन के लग रहा होगा कि ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो, क्योंकि इसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं और आप अपनी वीडियोस इसमें इजीली एडिट कर सकते हो। गाइज आप देखते हैं वो तीन सॉफ्टवेयर्स जिनसे आप लैपटॉप्स में अपनी वीडियोस इजीली एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ओपन शॉट। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस है ओपन शॉट का, काफी एक क्लीन और इजी इंटरफेस है। कोई भी बिगनर भी इसको इजीली हाफ एन आवर में सीख सकता है और अपनी वीडियोस एडिट कर सकता है। ये एक अवार्ड विनिंग सॉफ्टवेयर है एंड ये अवेलेबल है विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूज कर चुका हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस एडिट करने के लिए एंड मुझे ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा लगता है। मैं भी हाफ आवर के अंदर इस सॉफ्टवेयर को पूरा चलाना सीख गया था, क्योंकि इसका इंटरफेस ही इतना ईजी है कि कोई भी बिगनर भी इसको आराम से वीडियो एडिटिंग इसमें कर सकता है। आप इसमें भी अनलिमिटेड ट्रैक्स या लेयर्स ऑफ वीडियो ऐड कर सकते हो। लाइक आपको इमेज में मैं दिखाता हूँ, लाइक ये ट्रैक 3 और 4 है। अगर आप ट्रैक 3 में अपनी सारी वीडियोस इंपोर्ट करोगे एंड ट्रैक 4 में लाइक आपने अपना लोगो ऐड करा तो वो आपकी वीडियो के ऊपर लोगो इजिली ऐड हो जाएगा। बट अगर आप ट्रैक 4 में अपनी वीडियोस लाते हो और ट्रैक 3 में लोगो ऐड करोगे तो वो लोगो आपको अपनी वीडियो के ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लेयरिंग पे काम करते हैं। आपको वीडियो को सबसे नीचे रखना है एंड उसके ऊपर बाकी लेयर्स पे लाइक टेक्स्ट हो गया, लोगो हो गया, वो ऐड करना है तो वो आपकी वीडियोस पे इजिली ऐड होता रहेगा। गाइस अब देखते हैं फिफ्थ सॉफ्टवेयर जो है मूवी मेकर 10 माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। एक्चुअली दो सॉफ्टवेयर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एक तो है मूवी मेकर 10 और एक है मूवी मेकर। आप दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। इनके प्रो वर्जन भी आते हैं बट कुछ एज सच एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। आप बेसिक वर्जन से भी अपनी वीडियोज इजीली एडिट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है मूवी मेकर 10 का। बट इसका जो इंटरफेस है वो एक्चुअली थोड़ा ओपन शॉट से कॉम्प्लिकेटेड है। आपको स्टार्टिंग में वीडियोज एडिट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, आप इमेज में देख सकते हो। एंड इसके अंदर 30+ ट्रांजिशंस आपको मिल जाएंगे लाइक जूम इन जूम आउट के, बट ओपन शॉट में है अराउंड 100s of transition एंड इफेक्ट्स। तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एक तो वो थोड़ा इजी टू यूज है और इसके अंदर थोड़े हमको फीचर्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, ट्रांजिशंस भी ज्यादा हैं। बट बाकी मूवी मेकर 10 में जो बेसिक फीचर्स हैं लाइक एडिंग मल्टीपल क्लिप्स, मर्जिंग, कंबाइनिंग, एडिंग टेक्स्ट म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, साउंड इफेक्ट्स, ये सब आप इजिली इसमें कर सकते हो। एंड HD क्वालिटी वीडियोज आप इसमें एडिट कर सकते हो। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा फीचर नहीं है, तो बार बार मैं आपको सेम फीचर्स रिपीट करके बोर नहीं करूंगा। बाकी इसके अंदर आपको बेसिक जो वीडियोडिंग के फीचर्स होते हैं वो आपको मूवी मेकर 10 में मिल जाएंगे। तो गाइस जो लास्ट सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात करूंगा वो है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट अवेलेबल है तीनों के लिए, विंडोज, मैक एंड लिनक्स। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी बिल्कुल एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एंड इसका भी एक एकदम प्रोफेशनल इंटरफेस है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये भी थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड है
बट ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर काफी सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, मैं वीडियो के अंदर आपको आगे बताऊंगा कि क्या आगे इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको वही फीचर बताऊंगा जो इस सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा फीचर है, एंड बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स की मैंने बात करी है वो फीचर किसी में भी नहीं था। तो वो है ऑडियो फिल्टर्स। तो इस ऐप के अंदर ही प्री इंस्टॉल्ड ऑडियो फिल्टर्स हैं लाइक बैलेंस, बेस एंड ट्रेबल, बैंड पास, कंप्रेसर, कॉपी चैनल। एक्चुअली मुझे इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर कभी यूज़ नहीं किया है, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहोगे तो आप यूज टू हो जाओगे एंड आप भी इजिली ऑडियो फिल्टर्स होते हैं। लाइक कभी कभार आपकी वीडियो में थोड़ी आवाज़ ख़राब आती है तो आप इन ऑडियो फिल्टर्स को यूज़ करके अपनी आवाज़ को थोड़ी क्लियर और अच्छी बना सकते हो। तो गाइस बाकी जो बेसिक फीचर्स होते हैं लाइक कटिंग, मर्जिंग, ट्रिमिंग, क्रॉपिंग, क्लिप्स और टेक्स्ट ऐड करना, बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना, लोगों को रिसाइज करके अपना लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी लगाना, एंड इसके स्टोर में भी आपको काफ़ी सारी ट्रांजिशंस और एनिमेशंस मिल जाएगी, आप अपनी वीडियोस में उसको ऐड करके थोड़ा और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो बस ये थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ओपन शॉट के बाद अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए लाइक ऑडियो फिल्टर्स वगैरह हो गए वो सब चाहिए तो ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो जाके। इसका भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड, उसके बाद ये लिंक है पूरा, आप मेरे आर्टिकल को विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में इन सब सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स के बारे में जानना है तो मेरा आर्टिकल ज़रूर विजिट करो। मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता इनके बारे में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको जो बेसिक बेसिक ऊपर से हाईलाइट्स थे वो बता दिए हैं। तो गाइस ये थे मेरे 6 फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया था, और अगर आपको इनके बारे में थोड़ा डीप में जानना है तो मैंने अपने आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करो।